इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज और N7 में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी है, पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते मामले और मौतों का आंकड़ा भी हर रोज की तरह बढ़ता ही जा रहा है। पर आज अगर खास बात की जाए तो अस्पतालों की तरफ से आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी कई बार इत्तेहाद न्यूज़ ने इस मसले पर सवाल उठाए थे, पर लगता है अब निजी अस्पताल वालों का एहसास ही खत्म हो चुका है। एक मरीज के लिए 20-20 घंटे तक अस्पतालों के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी मरीज को अंदर नहीं लिया जाता, आखिरकार मरीज की मौत हो जाती है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, अगर हर रोज कुछ मौतें हो रही हैं तो यह भी एक वजह है कि सिर्फ कोरोना मरीजों को छोड़कर दूसरा इलाज नहीं किया जा रहा है। यह शिकायत काफी दिनों से आवाम की जानिब से की जा रही है, पर यहां सुनने वाला कोई है ही नहीं। जब कोई बीमार होता है और तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो अस्पताल ले जाते हैं। वैसे भी आजकल अस्पतालों के वाक्य सुनकर उमूमन लोग जितना हो सके घर में ही इलाज करना मुनासिब समझ रहे, पर मर्ज बढ़ता है तो अस्पताल ले जाते हैं। पर अस्पतालों में पहला सवाल यह होता है कि क्या कोविड टेस्ट किया है? फिर कोविड टेस्ट के लिए मरीज को लेकर ठोकरे खाते रहो। कोविड टेस्ट के लिए 3 दिन अगर रैपिड टेस्ट करते हैं तो कुछ घंटे अस्पताल वाले लेते हैं। अगर इस दौरान मरीज बचता है तो दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अस्पताल में जगह नहीं। सिविल अस्पताल का मामला यह है कि यहाँ के एक डॉक्टर ने बताया कि अगर कोई मर जाता है तो आपको बेड मिलेगा। आखिर इसका मतलब क्या है? निजी अस्पतालों में तो दिगर मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा और मरीजों के लिए दर दर ठोकरे खाना पड़ रहा है, मरीजों की मौत इसी दरमियान हो रही है। आवाम का बड़ी सख्ती से मुतालबा है कि किसी तरह मरीजों को निजी अस्पतालों में दाखिल किया जाए। दिल का दौरा, डायलिसिस, हाई शुगर, BP लो जैसे मरीजों की बिना इलाज के ही मौत हो रही है और इन्हीं की तादाद काफ़ी होती जा रही है। और जो अस्पताल फिलहाल खिदमात अंजाम दे भी रहे हैं गरीबों की पहुंच से बाहर है, किस तरह इस इम्तिहान से बाहर निकले समझ में नहीं आ रहा। आज फिर पॉजिटिव मरीजों की तादाद 400 के करीब रही तो 280 के करीब डिस्चार्ज भी हुए। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों की जान बचाने की कोशिश भी जारी है। इससे पहले बैंगलोर हुबली में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। बेलगाम में अपने सेल्स को इमदाद कर इसकी शुरुआत की। वाजर है प्लाज्मा थेरेपी के लिए वही शख्स अपने सेल्स इमदाद कर सकता है जो पहले पॉजिटिव रहा हो। कर्नाटक रियासत में हर रोज मामलों में इजाफा होता जा रहा है। इसी दौरान बेल्लारी में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। टी बेलगलू नामी एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो घर वालों ने अस्पताल की बजाय घर में ही इलाज करने का फैसला लिया। मरीज ने भी इंजेक्शन की मौत से डर कर घर में ही इलाज करना मुनासिब समझा और घर वालों ने इसे घर में रखकर होम आइसोलेशन और खुद दूसरी तरफ इंतजाम किया। पर खाना पानी और इलाज न होने से घर में ही तड़फ कर इसकी मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाले वाक्य की पूरी रियासत में बहस तो चल रही है पर इसके इलाज की तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं। होम आइसोलेशन के बाद ना तो कोई घर के पास गया और ना किसी ने इसकी पूछताछ की। वह घर के दरवाजे से खाने की मांग करता रहा, वो भीख मांगता रहा, पर पड़ोसियों ने एक बार खाना दिया पर दूसरी बार से नहीं दिया। वह खाने के लिए पुकारता रहा पर किसी ने तवज्जो न दी। आखिरकार भूख प्यास से मौत हो गई, वह तड़प तड़प कर मर गया। बेलगाम शहर में भी रोजगार न होने से नौजवानों ने खुदकुशी की खबर हम बारह सुनते रहते हैं। खानापुर में भी एक नौजवान ने रोजगार ना होने से फांसी के फंदे पर झूल गया। आखिर कब तक यह मौत का तमाशा चलता रहेगा? मैं ये सवाल बार बार पूछना जरूरी इसलिए समझूंगा कि क्या ऐसा देश, ऐसी रियासत, ऐसा गांव विश्व गुरु बनेगा जहां सुबह शाम गरीबों को दो वक्त की रोटी देने के लिए बजाय नफरत का एजेंडा चलाते हो? क्या वाकई सियासी लीडर पॉजिटिव पाए जाते हैं या फिर इसे भी एक इवेंट में बदल दिया जाता है, फिर ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई जाती है, कभी इन गरीबों पर भी बहस डिबेट हो जाए जिन्हें खाना मयसर ना होने से मौत हो रही है? कई नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर फंदों पर झूल रहे हैं, मरीज इलाज ना होने से मर रहे हैं, पर हमारे चैनल वालों को नफरत का एजेंडा चलाने से फुर्सत नहीं। हुकूमत को चाहिए कि तमाम कुव्वत को सिर्फ इंसान और इंसानियत को बचाने में सर्फ करे। और याद रखो, आखिरकार इंसानियत मोहब्बत
नफरत पर जीत हासिल करती है, क्योंकि आज तक दुनिया में नफरत की बुनियाद पर फतेह हासिल करने वाला बादशाह पैदा नहीं हुआ। वक्ती तौर पर कामयाब तो नजर आएंगे, पर हमेशा प्यार मोहब्बत हमने ही जीत हासिल करेगा, और नफरत के सौदागर मुंह के बल गिरते आप सभी देखेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।